कह सकते हैं कि सफेद हाथी है क्योंकि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। जेटू पे खर्चा क्यों किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम भी यही पूछना चाहते हैं। बड़ा जोक बन के रहेगा। लोक प्रतिनिधियों का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि आंखों के सामने हो रहा है, भले उनके कहने पे ना कहने पे हो ना हो, वो उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहेंगे। नवी मुंबई मधील बेलापूर जेट्टी आणि नेरूळ जेट्टी आता पांढरा हत्ती होत असल्याचे सिद्ध होत आहे, अशी टीका पर्यावरण तज्ञ बी एन कुमार यांनी केली आहे। या जेट्टीमुळे आम्हा करदात्यांचे पैसे व्यर्थ वाया जात आहेत, रोरोची योजना बेलापूर मधून का सुरू करण्यात आली, असा प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे। बिलकुल, ये कह सकते हैं कि सफेद हाथी है क्योंकि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, कोई कहते हैं 9 करोड़, कोई कहते हैं 11 करोड़, ये जो भी हो, लेकिन खर्चा हुआ करोड़ों के रुपयों का, और वो भी अपने टैक्स पेयर्स का मनी है। सिरको के पास पैसे कहाँ से आते, अपना ट्रांसफर फीस, हम लोग जो प्लॉट लेते हैं, घर लेते हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स का ही, ऑनेस्टली हम लोग इतने मेहनत करके सिरको जिस संस्था को पैसे देते हैं और पैसा इस तरह से गंवाया जाता है, ये तो बिल्कुल एक किस्म की सफेद आती है। इसके मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले यहाँ पर रोरो जो इनको जो प्लान था, बेलापुर से मुंबई जाने वाले कितने लोग हैं उसका कुछ सर्वे किया गया था क्या, नेरूल में भी लोगों ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट किया उसका कुछ सर्वे किया गया था क्या, इस बीच अटल सेतु जो बन रहा था, अटल सेतु के होते हुए और जो वाशी जो ब्रिज है और उसका भी एक्सपेंशन चल रहा है, उसका भी दोनों तरफ से एक्सपेंशन चल रहा है, उसका भी अभी पार्टली इनाग्रेशन हुआ है, इतने सारे कनेक्शन होते हुए भी ये रोरो हो करने की ज़रूरत क्या है, रोरो सर्विस लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। पॉलिटिकली कुछ बातें चल रही है इसमें, किसी के फायदा होने के लिए, किसी का अपना नाम ऊपर नीचे वर्चस्व बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि इस सर्विस जो लॉन्च किया है इसका बिल्कुल कुछ उपयोग नहीं हो रहा है और ये तो बहुत ही दुखदायक परिस्थिति। या ठिकाणी दर जास्त असल्यामुळे लोक याचा उपयोग देखील करत नाहीयेत। फेर तो बिल्कुल थी है, बहुत है, 850-900 ऐसा उस तरह की चल रही थी, और बाद में कह रहे थे कि 12,000 रुपये मंथली पास, ये सब टोटली अनअफोर्डेबल है, इतना तो पैसे दे के कोई, इसीलिए तो पूरा फ्लॉप हो गया ना। वो सर्विस लॉन्च किया, टेंडर वगैरह किया सिरको ने, सर्विस लॉन्च किया धूमधाम से, इनॉग्रेशन भी हुआ है, लेकिन वो सर्विस सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि लोग यूज़ नहीं कर रहे थे। क्यों यूज़ करेंगे लोग, क्योंकि अगर इतने सारे ब्रिज की कनेक्टिविटी है, काफ़ी लोग यहाँ पर बेलापुर स्टेशन पर या वाशी स्टेशन पर अपनी गाड़ी खड़ी करके ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन की सुविधा अच्छी है, अगर सिरको को इतना कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, वो पैसा खर्चा करके लोकल सर्विस सेवा जो है, जैसे कि अपने बेलापुर वगैरह में तो ठीक है NMMT की सर्विस चलती है, दूसरे जैसे खारघर हो गया वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सर्विस का इम्प्रूव करें, या लिंकेजेस बिटवीन द नोड्स इंक्रीज करें। जेट्टी ही पूर्णपणे फ्लॉप शो सिद्ध झाली आहे। जेट्टी पे खर्चा क्यों किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, हम भी यही पूछना चाहते हैं, इतने जेट्टी को खर्च क्यों कर रहे हो। नेरूल जेट्टी तो एक बड़ा जोक बन के रहेगा क्योंकि वहाँ पर बोट आ ही नहीं सकती, कोई भी पा नहीं सकती, क्योंकि वो ड्राफ्ट लेवल जो है, पानी का लेवल जो है, उसके देखे बगैर बनाया। ये जेट्टी बनाती कौन है, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, ये दे आर सपोज टू बी एक्सपर्ट्स। आप हमारे से आम आदमी तो कोई नहीं कहेगा ना कि यहाँ पर बना दो, या कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा कि यहाँ बना दो, साइंटिफिक स्टडी करके बनाना जेट्टी को निर्माण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पानी की मात्रा कितनी है, हाई टाइड लो टेबल लेवल कितना होता है, किस टाइप की बोट आ सकती है और किस टाइप की शिप्स आ सकती है, किस टाइप की सर्विस लोगों की ज़रूरत है, वो सब सर्वे करे बगैर ऑब्वियसली ये बना गया, इसके लिए पूरा की पूरा फ्लॉप शो है। तसेच लोकप्रतिनिधी याविषयी चर्चा करायला हवी होती। लोकप्रतिनिधी का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि इतना बड़ा जो काम चल रहा है सर, उनके सामने उनकी आंखों के सामने हो रहा है, भले उनके कहने पे ना कहने पे हो ना हो, वो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हो रहा है सबके सामने, आंखों के सामने हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका उपयोग क्या होगा, इसके बारे में तो लोकप्रतिनिधि की ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी था, उनको पॉइंट आउट करने की ज़रूरत थी। अगर बन रहा है तो उसका उपयोग कितना होगा, कितने पैसे खर्चे हो रहे हैं, और इस पैसों का दूसरा उपयोग, सदुपयोग किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करने की बहुत ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं ये लोकप्रतिनिधि का भी एक विफलता है, ये मानने में कोई गलत नहीं है। तर नवी मुंबईत आधीपासूनच 2 पांढरे हत्ती आहेत, यामध्ये अजून भर नको, असं देखील त्यांनी म्हटलं आहे। 2 सफेद हाथी बन गए हैं और हम चाहते हैं कि सिरको और सफेद हाथी का निर्माण ना करे। आवाज़ टुडे नवी मुंबई।